नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के पठन में हार्दिक स्वागत है। हम पुनः अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। हम चौथे अध्याय के 29th श्लोक से आज अपनी रीडिंग को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मुखम करोति वाचलम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम तत्सत। अपाने जुहवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणा प्राणायाम परायणः अपरे नियता हारः प्राणान प्राणेषु जुहवति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग किए विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम हो नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण और अपान वायु वायुयों को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। सो रोकने प्राण और अपान को रोकने को कुंभक कहते हैं और जब अपान वायु को प्राण वायु में डाल देते हैं अर्पित करते हैं तो इसे रेचक कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण के द्वारा सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि भगवत गीता में चौदहवें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, माम चा योगी योग अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तयैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। तो यानी कि जो
सेंस ग्रैटिफिकेशन सब कर रहे हैं, जो भी मन में आया खा रहे हैं, जो भी मन में आया सब कर रहे हैं, तो जब भगवान की भक्ति में इंसान लग जाता है तो उसका इतना नियम बन जाता है कि उसने भगवान को भोग बना के पहले ऑफर करना है, तो जो भोग ऑफर करने के बाद जो प्रसाद भगवान ग्रहण कर लेंगे तो जो प्रसाद बन जाएगा उसको वे फिर खाएंगे। तो जो ऑफर्ड है आपका भोग, फिर आपने लाके मेन पॉट्स में डाल लेते हो, जो कुकिंग पॉट्स में, और सारे खाने मिक्स करके तो प्रसाद बन गया। तो यानी कि एक थैंक्स कहने की आदत पड़ जाती है भगवान को हर हर स्थिति में। उसको पता है कि ये जो परिवार है मेरा, ये भी एक्चुअली मेरा नहीं, कृष्ण का है। कृष्ण ने तो मुझे केयर टेकर बनाया है इस जन्म में, और अगर मैंने पैसे कमाए हैं तो भगवान ने मेरे को शक्ति दी है, मैंने पैसे कमाए हैं, और वो पैसे भगवान की सेवा में लगा के और अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी समझते हैं कि ये भी रिलेशनशिप्स भी हैं, जो अपनी फैमिली के अलावा जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो भी मुझे भगवान ने ही दी है और मैं उसका केयर टेकर हूँ। तो इससे उसका जीवन बाकी लोगों की तरह चलता रहता है भक्ति में, भक्त का भी, पर इतना फर्क आ जाता है कि भक्त की लाइफ में कृष्णा बिकम्स द सेंटर ऑफ योर लाइफ। कृष्णा आपकी लाइफ के मध्य रहते हैं, आपकी सभी एक्टिविटीज के बीच में रहते हैं। वर्स नंबर 30, सर्व पियते यज्ञ विद्यो यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशाह यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञों तथा यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और योग्य यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा और श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 31, नायम लोको असत्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुत सत्तमा। सो ये श्लोक सबसे छोटा है, सिर्फ एक ही लाइन का है। नॉर्मली बाकी श्लोक का हम देखते हैं दो दो लाइन के हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। तात्पर्य द्वारा ऐसी भक्ति विधान श्रील प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की जय। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जाता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध आदि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है।
फिर दूसरे लोकों में लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं। जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। श्लोक नंबर 35। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानविधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर मन और बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। तो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है, एक ऐसी योनि है जिसमें स्पीशीज है जिसमें आके आप भक्ति कर सकते हैं, और जो दुनिया भर की जितनी भी अलग अलग योनियां हैं पशुओं पक्षियों की, वो सभी वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। वो खाते हैं, वो अपनी रक्षा करते हैं, वे भी संतान की उत्पत्ति करते हैं और अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। और हम भी और उनमें बस एक अंतर है कि हमारे पास इंटेलिजेंस है जो हम भक्ति कर सकते हैं, हमारे पास स्पीच है ऐसी, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम लोग लिख पढ़ सकते हैं, हम ज्यादा उनसे हमारी जो मनुष्य की जाति होती है वो उच्च श्रेणी की होती है बाकी पशु पक्षियों की जनजातियों से। सो इसी जीवन मनुष्य के जीवन में ही भक्ति का कर पाना पॉसिबल है, और किसी उसमें आप जन्म लें किसी भी डिफरेंट स्पीसीज में तो आपका भक्ति कर पाना पॉसिबल नहीं हो सकता। श्लोक नंबर 33। श्रेयान द्रव्य मया दिग्या जिज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, परंतप अर्जुन को भी कहते हैं भगवान और पार्थ भी कहते हैं। हमने देखा है अर्जुन को बहुत नामों से भगवान संबोधित करते हैं। भगवान कहते हैं हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य ध्यान देना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं, तब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है। तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वालों वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर ही रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में ही होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। श्लोक नंबर 34। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः।
तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग बहुत कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान यदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6 स्कंद का 3:19 का कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना ड्राई स्पेकुलेशन करना। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव और सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव से और सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। श्लोक नंबर 35, यच ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान यशेषाणि द्रक्षस्यात्मन अन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। स्वरूप से व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है, हम अभी तात्पर्य पढ़ रहे हैं यानी कि परपोट, कि हमें यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं, यानी कि हम सबकी जो सोल्स हैं, हम सबकी जो आत्मा है, वो परमात्मा की ही पार्ट एंड पार्सल है, हम परमात्मा के ही अंश हैं। हम सब में वही क्वालिटीज हैं जो भगवान में हैं, पर क्योंकि हम छोटे छोटे अंश हैं तो हमारे में माइन्यूट क्वालिटीज हैं, छोटी छोटी हैं, हम एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट सिर्फ भगवान है, भगवान ही केवल पूर्ण है, हम उनके मात्र अंश ही हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, माँ नहीं या यह कहलाती है। सो माया को अगर हम डिवाइड करें, उसका मीनिंग निकालें, तो माँ का मतलब है नहीं, या का मतलब है यह, यानी कि यह नहीं है, ये एक इल्यूजन है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और पर ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है, जो इफल्जेंस आ रही है, जो निराकार जो रोशनी आ रही है, वो भगवान की बॉडी से आ रही है, वो ब्रह्मांड है, वो तेज है। लोग समझते हैं कि यही सब कुछ है, पर उनको ये नहीं मालूम है कि भगवान इज अ पर्सन, भगवान आदि पुरुष है, हम उन्हीं के तो कॉपीज बने हैं ना, हम उन्हीं के रूप में तो हमको अपने ही रूप में तो भगवान ने ढाला है। पर ही इज द एब्सोल्यूट, ही इज ओमनिशियंट, ही इज ओमनिपोटेंट, वो सबसे बड़े हैं और वो चाहें तो सबसे छोटे बन जाते हैं, जैसे कि उन्होंने यूनिवर्सल रूप, जो विराट रूप दिखाया था आगे जो चैप्टर में आएगा, चैप्टर नंबर 7।
सेवन में जब हम इसको पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर नंबर इलेवन में। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, ये वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः तो जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है, इफल्जेंस है, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं, और जो हम जो भी कुछ संसार में देख रहे हैं वो सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो मटीरियल है, चाहे वो लिविंग है, सॉरी चाहे वो नॉन लिविंग है, तो सब कुछ मटीरियल इस संसार में है ना, मैटर से ही बना है। पर उसके अंदर जो परमात्मा अंश है, जो हम सबकी आत्मा के साथ है, वो सटल रूप है, वो है भगवान जो हम सबके साथ हैं। उन्हीं के कारण तो हमारे में जान है, उन्हीं के कारण हमें कॉन्शियसनेस है, प्राण है जिसको हम बोलते हैं। यहां तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं, उनके एक्सपेंशंस हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं, यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। परम ब्रह्म का सॉरी ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं, क्योंकि हम कवर्ड हैं, हम कंडीशन है ना, लाइफ आफ्टर लाइफ में जब जन्म लिए संसार में आके मटेरियल लाइफ में, तो हम हमारे पर माया चढ़ी हुई है। तो जब तक माया का असर नहीं हटता हमारे सोल के ऊपर से, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारी क्लेंजिंग होती है, हमारा आत्मा प्योर होता है, प्योरिटी की तरफ जाता है, तो हमको अपना संबंध भगवान के साथ क्लियरली समझ आने लगता है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नियत दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलक मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता और देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण ही से जनित हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य हैं, और पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपने अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जा सकता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 6 श्लोक में की गई है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। श्लोक नंबर 36, अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लव वेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। सो
ये दुख सागर क्या है? ये संसार जिसमें हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हम लोगों के फैमिलीज होती हैं, बीमार होते हैं, फिर अंत में को शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ये दुख का सागर है संसार, जिसको बोला गया है। जब तक हमको अपना असली लक्ष्य याद नहीं आएगा कि हमारे असली लक्ष्य क्या है, कि भगवान के शाश्वत धाम में, इटर्नल अबोर्ड गोलोक वृंदावन में जाके भगवान की सेवा करना, वह वही हमारा परमानेंट अबोर्ड है, वही हमारा परमानेंट रहने का स्थान है। जब तक हमारी आत्मा को याद नहीं आएगा ये, तब तक भगवान हमारी मटेरियल डिजायर्स की पूर्ति के लिए हमें बार बार यहाँ भेजते रहेंगे। अपने कर्मों के अनुसार कभी हमें मनुष्य का जन्म मिल जाएगा, अगर हमने गलत कर्म किएंगे तो हमें नीचे की भी जन्म मिल सकते हैं, पशु पक्षियों के, इवन इंसेक्ट्स के भी। सो इसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना ही उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्ष रत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल देता है लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। श्लोक नंबर 37। यथे धामसी समिधो अग्निर् भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य, आत्मा और परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान और उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में बृहदारण्यक दारण्यक उपनिषद के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, उभे उभय वैश्य एते तरत्यमृतः साध्व साधोनि। मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। सो ये 38 यानी कि 38 श्लोक नंबर है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है, जो फुली राइपेड फ्रूट है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान और शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। श्लोक नंबर क्या कहेंगे इसको, 39, 39, 40, 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं और इसे प्राप्त करते ही तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वह राम श्रद्धा भक्ति के द्वारा और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है। और यह 16 अक्षरों सिलेबल्स का जो मंत्र है, अक्षरों का जो मंत्र है,
ये भगवान ने ही आके इसी युग में, ये एक स्पेशल कलयुग है, और किसी कलयुग में भगवान नहीं आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेके राधा रानी के मूड में। उन्होंने ही ये मंत्र ओपन किया कि कलयुग में बस यही एक साधन है ना, इस युग में हम लोग बहुत बड़े बड़े तपस्या कर सकते हैं, सतयुग के भांति हम लोग के शरीर नहीं है, ना ही हम इस युग में बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण कर सकते हैं जैसे कि द्वापर में करते थे, और ना ही बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं जैसे कि त्रेता में करते थे रामचंद्र जी के युग में। हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्तिर अन्यत था। तो यही हमारे लिए इजी है काम करना, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर जग उतरियो पारा। तो हम इस हमारे शरीर का जो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, एक नाम ही जाप कर सकते हैं, और ना ही हमारे पास ऑपुलेंस और इतनी धन दौलत है पहले के युगों की तरह, और ना ही इतने हमारे स्ट्रांग बॉडीज हैं कि हम बड़े बड़े यज्ञ करें या फिर तपस्याएं करें या फिर ऑपुलेंट टेम्पल्स बनवा सकें। सो इसका तात्पर्य यह है, सॉरी इसका अनुवाद इस तरह है, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को यानी कि स्पिरिचुअल पीस को प्राप्त करता होता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र द्वारा जाप द्वारा की जाती है। हरे भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, श्रीमती राधा रानी है, ठीक है, और राम इज ऑल अट्रैक्टिव भगवान को बोलते, कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव भगवान को बोलते हैं, और जो राम है, राम इज ऑल पावरफुल। इस मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। तो ये मंत्र है जो हमारे दिल को, हमारे हार्ट को, हमारे सोल को प्योरीफाई कर सकता है, जिसमें कई जन्मों के हमारे हठ और हमारे बुरे संस्कार बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि वह अपने इंद्रियों पर संयम रखे, थोड़ा डिसिप्लिन रखे अपने अपने सेंसेस पर। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 40, अज्ञश्चा श्रद्धा श्रद्धान्नश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी और श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, वे भगवान भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य, भगवत गीता सभी प्रामाणिक और अन्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशुतुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक में विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। तो हमारी भक्ति में जर्नी कहाँ से शुरू होती है? फेथ से शुरू होती है। तो जब को हमको श्रद्धा आती है तो वहां से हमारी जो यात्रा है भक्ति की स्टार्ट होती है। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे लोग नीचे गिरते हैं। अब उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है वे सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, कोई ना कोई उनके डाउट मन में रहते हैं और वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर और उनके वचन में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, उनके लिए किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। अतः लोग मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है।
दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशय ग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्यों को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। श्लोक नंबर 41। योग सन्या सन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। धनंजय भी अर्जुन का एक नाम है जिसका मतलब है हे संपत्ति के विजेता। जो व्यक्ति कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिससे जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तात्पर्य जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी थी तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह का वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो अब हम इस चैप्टर के आखिरी श्लोक पर पहुंच चुके हैं। श्लोक नंबर 42 यानी 42। तस्मात् ज्ञान संभूतम हस्तम ज्ञानासीनात्मनः चित्तवैनम संशयम योगमातिष्ठो तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो हे भारत। तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इस अध्याय में तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्म ज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाए तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। सो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अपने आप को जानने के लिए हम द्रव्य यज्ञ ना करें तो वो भौतिक इस संसार का ही यज्ञ बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो पूर्ण यज्ञ होता है। तो अगर हम स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल रीजन के कारण कि हम कर रहे हैं तो उद्देश्य से जो कर रहे हैं उस पर्पस से जब हम करते हैं तो वह पूर्ण यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना और श्री कृष्ण भगवान विषयदक सत्य जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है। वह ज्ञान ही इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है और जो भगवान के द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए वह निपट मूर्ख है। सच्चिदानंद को आपको जैसे मालूम है भगवान नॉलेजेबल है, फुली नॉलेजेबल है, फुली ब्लिसफुल है और इटर्नल है, वे शाश्वत है। तो इसलिए उनको सच्चिदानंद कहते हैं। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा और समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता
जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, यानी कि डिवाइन है। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवद गीता की चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सबका हमारे आज की रीडिंग में जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आप सबको अब आधा वीकेंड तो खत्म ही हो गया, अब सैटरडे, और जितना बचा है आपका मंगलमय हो और नेक्स्ट वीक भी आपका मंगलमय हो। इसी तरह से आप चैंटिंग करें, भगवान को याद करें और अपने जीवन के पर्पस को समझें और एक दूसरे को समझाएं और भगवद गीता प्रेजेंस में दें एक दूसरे को और एक्सप्लेन करें, समझें, समझाएं, मंदिर में जाएं, धाम की यात्रा करें और अपने घर में भी अपने ऑल्टर में अपने भगवान की आप स्तुति कर सकते हैं, वहां बैठ कर जाप कर सकते हैं। हम अपनी रीडिंग नेक्स्ट दफा फिर इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।